हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर रहेगा, ध्यान से देखिए। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास दिए हुए है, इनका मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है, इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज। ठीक है, जो साइन इनवर्स लिखा हुआ है इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, -π/2 +π/2 में लाई करना चाहिए साइन की रेंज। ठीक है, इसके बीच में आंसर आना चाहिए साइन का, इसका मतलब ये है। अब देखिए ध्यान से, इस एंगल को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आंसर इनके बीच में आए दोनों के। ठीक है, देखिए ध्यान से साइन इनवर्स साइन, देखिए पाई बाई थ्री है, इसको तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है, जो पाई बाई थ्री है ना, इसको तो आपको सेम लिखना है। अब सोचना क्या, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या रखनी है कि जोड़ या घटा के आपको वापस ये मिले। अगर मैं यहाँ पर पाई रखूँगा तो देखिए ध्यान से 3π-π 2π/3 हो जाएगा। और अब देखिए जो ये एंगल आपने तोड़ा है ना, ये इस रेंज में होना चाहिए, ये -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करना है, साइन इनवर्स, देखिए साइन 180 माइनस में थीटा, देखिए आपको मालूम है कि साइन 180 माइनस में थीटा यानी 180, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और 180 में नो चेंज, तो 180 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, और साइन 180 माइनस में थीटा प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, सेकंड में साइन प्लस होता है। ठीक है, तो देखिए साइन 180 माइनस में थीटा साइन थीटा, और थीटा क्या है, पाई बाई थ्री। अब डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, एंगल क्या बचेगा, पाई बाई थ्री। अब देखिए पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 देखिए -90 और +90 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब ये जो आंसर है साइन का ये रेंज में है, और ये राइट आंसर है फिर। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन इनवर्स की रेंज लिख देनी है साइड में, और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, मान ज्ञात करो। देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स टेन दिया है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेन से टेन इनवर्स काट देते हैं और ये आंसर बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आपको रेंज लिखनी होगी टेन इनवर्स की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना है, चूँकि टेन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये रेंज होती है, इसके आधार पे आपको इसको सॉल्व करना है, यानी जो एंगल है वो इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको करने की सिंपल ट्रिक क्या है, टेन इनवर्स है उसको आप सेम लिख लो, पहले यहाँ टेन है, टेन को सेम लिख लो। ठीक है, अब देखिए पाई बाई फोर है, इसको आपको सेम रखना है। अब जोड़ या घटा करके आपको 3π/4 लाना है, ऐसा नंबर यहाँ रखना है। अगर देखिए मैं यहाँ पर पाई रखूँगा और यहाँ माइनस करूँगा इसको मैं, तो ध्यान सुनिए 4π-π 3π/4 मिल जाएगा। अब देखिए टेन 180 माइनस में थीटा, तो 180 में से कुछ घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर टेन इनवर्स टेन 180 माइनस में थीटा, देखिए आपको मालूम है कि टेन 180 माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस में टेन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई फोर है, तो माइनस का टेन पाई बाई फोर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट टेन इनवर्स को अभी आप सेम रख लो, इस माइनस को अंदर ले जा सकता हूँ मैं। ठीक है, इस माइनस को एंगल पर ले जाओ, आपको मालूम है कि टेन माइनस थीटा अगर कहीं पर लिखा है, टेन माइनस थीटा, इसको मैं वापस लिख सकता हूँ टेन माइनस टेन थीटा। अगर माइनस बाहर है तो इस माइनस को अंदर एंगल पे भेज सकती है, तो इस माइनस को एंगल पे भेजो, तो टेन माइनस में पाई बाई फोर,
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा तो एंगल कितना बचेगा, माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, माइनस पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है, माइनस 45, और माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, माइनस 90 और प्लस 90। तो माइनस 45 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब राइट आंसर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बाहर 10 दिया हुआ है तो अंदर आपको सॉल्व करके 10 लाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर 10 है तो अंदर 10 होना चाहिए ताकि 10 से 10 कट जाए। तो यानी आपको क्या करना है, अंदर 10 लाने के लिए इन दोनों टर्म्स को 10 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन और कॉट को आपको 10 में चेंज करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा। ठीक है, यानी आपको पहले क्या करना है, साइन को 10 में चेंज करना है और कॉट को 10 में चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे, यहाँ पर माना आप साइन इनवर्स माइनस 3/5 को आप मान लो थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, इस साइन को मैं इधर भेज रहा हूँ तो साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3/5 बचेगा, तो वो मैंने साइड चेंज कर ली। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 आई, तो यहाँ से कॉस निकाल लो। पहले आपको मालूम है कि कॉस थीटा क्या होता है, रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए अगर नहीं पता है तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1, ये उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पर रूट आएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, ऊपर स्क्वायर था साइन पे स्क्वायर लगा दें यहाँ पर आप। अब देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 1, अपॉन में 1 मान सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 25 कम 25 9 कम 9 25 कम 25, ठीक है इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस करो, 25 में से 9 घटाओ, 16/25। ठीक है, अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का 5 होगा। तो डियर स्टूडेंट ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आपके पास कॉस थीटा की आई, आपको चाहिए टेन थीटा। ठीक है, तो टेन आप कैसे निकालोगे उसको ध्यान से देखिए, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू आपने निकाल ली है, देखिए यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू आपने कितना निकाला है, साइन थीटा आपके पास 3/5 है, अपॉन में कॉस थीटा कितना है, 4/5 है। यहाँ से देखिए कॉस थीटा 4/5 है, 5 से 5 कट हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू कितना आएगी, 3/4, ऊपर 3 बचेगा नीचे 4 बचेगा। ठीक है, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 3/4 आई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको थीटा निकालना पड़ेगा, तो ये टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने माना था साइन इनवर्स 3/5 को, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ मैं ये वाली, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, ठीक है यहाँ पर रख दी मैंने थीटा की वैल्यू। अब ये राइट साइड में जो बचा है उसको सेम लिखो, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल होता है टेन इनवर्स 3/4। तो बाद में साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू में यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या रखूँगा, टेन इनवर्स 3/4 रख दूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये सारी टर्म्स टेन में चेंज करनी है। तो डियर स्टूडेंट जैसे मैंने साइन इनवर्स 3/5 को टेन में चेंज किया तो मुझे ये आंसर मिला। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको कॉट को भी टेन में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेट माना आपको कॉट को भी मान लो ऐसे ही, आप कॉट इनवर्स 3/2 इसको मान लेता हूँ मैं इस बार 5। ठीक है, तो यहाँ से कॉट 5 निकाल लो, कॉट इधर आएगा तो कॉट 5 बन जाएगा, इनवर्स यहाँ से हट के कॉट 5 बन जाएगा, और यहाँ पर 3/2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कॉट 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 5,
वन अपॉन टेन फाई इक्वल टू थ्री बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ से, तो कितना होगा थ्री टेन फाई इक्वल टू टू वन जे टू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ से टेन फाई की वैल्यू निकाल ले आप, टेन फाई इक्वल टू, देखिए टू सेम है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फाई की वैल्यू निकाल लो, तो टेन इधर आएगा तो टेन इन्वर्स बन जाएगा, टेन इन्वर्स टू अपॉन में थ्री, ठीक है। अब फाई आपने किसको माना था, फाई आपने कॉट इन्वर्स थ्री बाई टू को माना था, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर डाले कॉट इन्वर्स थ्री बाई टू, और ये वैल्यू इक्वल में चल रही है, इसको सेम रखना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से कंक्लूजन आपने क्या निकाला है कि कॉट इन्वर्स थ्री बाई टू इक्वल होता है टेन इन्वर्स टू बाई थ्री के, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि कॉट इन्वर्स थ्री बाई टू इक्वल है किसके, टेन इन्वर्स टू बाई थ्री के, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, हमने साइन को टेन में चेंज कर लिया, कॉट को टेन में चेंज कर लिया है, अब इनके मान देखिए, इस साइन का मान ये टेन में आ गया और इस कॉट का मान ये टेन में आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर डालिए आप, देखिए टेन सेम रहेगा, साइन इन्वर्स थ्री बाई फाइव की वैल्यू क्या निकाली मैंने, टेन इन्वर्स थ्री बाई फोर, ठीक है, प्लस सेम कॉट इन्वर्स थ्री बाई टू, कॉट इन्वर्स थ्री बाई टू की वैल्यू टेन इन्वर्स टू बाई थ्री है, तो यहाँ लिख लो टेन इन्वर्स टू बाई थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, टेन को सेम रख लो पहले। अब डियर स्टूडेंट, आपको क्या बताया, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, देखिए आपको फॉर्मूला पता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, टेन इन्वर्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास थ्री बाई फोर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है टू बाई थ्री, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू थ्री बाई फोर इंटू वाई की वैल्यू टू बाई थ्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टेन से टेन इन्वर्स कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो आप पहले, तो कितना आएगा, फोर थ्री या ट्वेल्व, ठीक है, फोर थ्री या ट्वेल्व, थ्री थ्री या नाइन, फोर टू या एट, ठीक है। अब इक्वल यहाँ पर लगा लो, देखिए ठीक है, टेन इन्वर्स से टेन कट गया था, अब ये हट जाएगा टेन, बस अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व वन या ट्वेल्व, ठीक है, तो ट्वेल्व का मल्टीप्लाई वन से कराओ तो ट्वेल्व वन या ट्वेल्व माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना बचेगा, टू थ्री जा, देखिए टू थ्री जा सिक्स, और सिक्स का मल्टीप्लाई वन से तो सिक्स आएगा ऐसे, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ, फोर थ्री जा ट्वेल्व हुआ, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व हो गया, फिर थ्री टू जा सिक्स हुआ, तो सिक्स वन जा, यहाँ वन मान लो, सिक्स वन जा सिक्स हो गया, अब फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, एलसीएम ट्वेल्व आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों का हर सेम है, तो बारह से बारह कट हो जाएगा। अब देखिए आठ और नौ कितना होता है, सत्रह, और बारह में से छः घटाओ छः, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पूरी की, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पूरी की, सेवनटीन अपॉन सिक्स आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पूरी की, सेवनटीन अपॉन सिक्स आएगी, ठीक है, सत्रह बटे छः आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको सही से नोट करिए पहले। अब डियर स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स का मान बराबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं करना है कि कॉस से कॉस इनवर्स कट गया और ये सेवन पाई बाई सिक्स आंसर आ गया, तो ये रेंज में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा आंसर आपको सोचना है कि जो रेंज में आई, तो आपको मालूम है, पहले देखिए आप क्वेश्चन लिख लो नीचे, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, चूँकि आपको पता होनी चाहिए कॉस इनवर्स की रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, जीरो से पाई होता है, ठीक है। तो यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो जीरो और पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है, इसका जो आंसर आना चाहिए वो जीरो और पाई के बीच में आना चाहिए। तो देखिए इस एंगल को आपको ऐसे ब्रेक करना है,
कि जो इसकी रेंज है, जो आंसर है वो इस रेंज के बीच में आई। ठीक है, देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स अभी नहीं काटना है, इसको सेम रखना है। यहाँ पर कॉस है, इसको भी सेम रख लो आप। देखिए आपको इस एंगल को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि जो आंसर है आपका, जो एंगल है वो रेंज में आना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान सुनिए, 2π माइनस में 5π बाई 6, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, देखिए 6 × 12 होगा, 12 में से 5π घटाओ तो 7π/6 आएगा। अब 5π/6 का मतलब क्या है? देखिए 5π/6 का मतलब क्या हुआ, 5 × π की वैल्यू 180 अपॉन में 6 कट कर लो, 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 18, 0 150 डिग्री है। और 150 डिग्री देखिए 180 के, 0 और 180 के बीच में होगा। ठीक है, पाई का मतलब 180 होता है, 0 होता तो इसके बीच में लाई करेगा ये एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस एंगल को कैसे तोड़ना पड़ेगा, हमें इस एंगल को 2π - π/6 की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको पता है फॉर्मूला cos 2π - θ। ठीक है, 2π का मतलब क्या होता है, 360, तो cos 360 - θ। ठीक है, अब देखिए 360 कहाँ पर आता है, यहाँ 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360 आता है। देखिए 360 में से कुछ लेस हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। देखिए 360 में से कुछ घट रहा है, लेस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और 360 में नो चेंज। तो cos 2π - θ क्या होगा, cos θ क्या होगा, cos θ प्लस का cos θ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, एंगल कितना बचेगा, 5π/6, और ये आपका आंसर है। और इस आंसर को आप चेक करोगे तो ये इस रेंज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप लिख लो। ठीक है, देखिए साइन को पहले मैं सेम रखूँगा, π/3 है, इसको भी सेम रख लो आप माइनस। देखिए साइन इनवर्स -θ, -1/2 को थीटा मान लो, एंगल मान लो। देखिए आपको मालूम है कि साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस में साइन इनवर्स x के। ठीक है, तो अगर ये माइनस अंदर दिया हुआ है एंगल में, इससे मैं बाहर निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। तो मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर लिया है। तो ठीक है, देखिए ध्यान से, ये माइनस बाहर आएगा, अंदर वाला माइनस बाहर आएगा, ये माइनस आप बाहर निकाल लो और साइन इनवर्स 1/2 लिख लो ऐसे सिंपल। ठीक है, अब देखिए साइन सेम रहेगा, अब π/3, ठीक है ये π/3 है, π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 और पाई 1/2 ब्रैकेट सेम है। ठीक है, देखिए साइन, अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60, और साइन 60 को हम क्या लिखते हैं, π/6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन यहाँ पर एलसीएम ले ले आप, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम होगा, 2 का मल्टीप्लाई पाई से 2π, एलसीएम लेना आपको आता होगा, 6 का डिवाइड 6 में होगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई पाई से पाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन 2π में पाई ऐड करो, 3π/6, अब 3 से कट करो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कितना हुआ, साइन π/2, यानी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे इसको सॉल्व करना था आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए, tan inverse √3 माइनस cot inverse -√3 का मान है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लो यहाँ से, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, tan inverse √3 माइनस cot inverse -√3 है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया पहले। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि cot inverse -x पाई माइनस cot inverse x के इक्वल होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि cot inverse -x, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस में cot inverse x। ठीक है, क्या करते हैं, जब cot के आगे का माइनस बाहर आता है तो पाई ऐड हो जाता है, तो पाई माइनस cot inverse x ये फॉर्मूला होता है
ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री को आप सेम रख लो, ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस का रूट थ्री है, यानी कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला फार्मूला यूज करो, तो पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, एक्स क्या होगा, रूट थ्री होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेना है। अब देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री को सेम रखो, पाई का माइनस का इंटू करो, ठीक है, माइनस का इंटू करो, तो माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब देखिए ध्यान से, टेन में रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, टेन सिक्सटी, और टेन सिक्सटी को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री, ठीक है, माइनस पाई सेम। अब देखिए कॉट में रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, कॉट थर्टी की होती है, और थर्टी को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे वन मान लो, एलसीएम ले लो, सिक्स थ्री वन, इनका एलसीएम कितना होगा, सिक्स होगा, थ्री का डिवाइड सिक्स में करो, टू टाइम टू का पाई से मल्टीप्लाई टू पाई, माइनस वन का डिवाइड सिक्स में सिक्स आएगा, सिक्स का मल्टीप्लाई पाई में सिक्स पाई, प्लस सिक्स का डिवाइड सिक्स में वन, वन का इंटू पाई में पाई, ठीक है। अब देखिए सिक्स पाई में से टू पाई घटाओ, तो माइनस का फोर पाई प्लस पाई बाई सिक्स। अब देखिए ध्यान से, फोर पाई में से पाई माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस का थ्री पाई बाई सिक्स हो जाएगा, थ्री वन जे थ्री, थ्री टू जे सिक्स, तो माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पाई बाई टू। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको आपको रिपीट करना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इनको आपको ज़रूर से ज़रूर रिपीट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you.